मेरी भोली चिड़िया रानी करती थी अपनी मनमानी, हरे भरे पेड़ों पर चढ़कर छतों से चुगती दाना पानी। पंख पसार वो उड़ती नभ में, भरे उल्लास सभी हृदयों में। बाकी पंछी जाने कहाँ थे, दिखती थी बस वही हर डग में। आखिरी बार एक चिड़िया मैंने आज से लगभग 20 साल पहले देखी थी, जब जो है मैं आरकेपुरम में रहा करती थी। उस समय कमर्शियल नहीं है तो वहाँ भीड़ बहुत कम है, और कई बार चिड़िया जो है वहाँ अपने घोंसले बनाया करती थी और मुझे बहुत अच्छा लगता था। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे, एकदम से तो नहीं, धीरे धीरे दिखनी वो बंद होने लगी अचानक से। और मेरा जुड़ाव चिड़ियाओं से इतना ज़्यादा था कि बचपन में जब मेरी आँख खुलती थी ना, हमें किसी अलार्म की ज़रूरत नहीं होती थी, चिड़ियों की चहचहाट से ही हमारी आँख खुला करती थी। तो उसके बाद धीरे धीरे चिड़ियाएँ दिखनी कम होने लगी, धीरे धीरे बिल्कुल ही बंद हो गई। कारण जानने की मैंने कोशिश भी की, शुरू में तो समझ नहीं आया अचानक हुआ क्या, फिर धीरे धीरे समझ आने लगा शायद ये कंक्रीट के बढ़ते हुए जो जंगलात हैं हमारे शहरों में, इन्होंने उनके घरों को छीन लिया है। अब घर ही नहीं रहेगा तो वो कहाँ जाएंगे पक्षी? हमारा घर कोई छीन ले, हम कहाँ जाएंगे? हम भी कहीं दूर जाकर बसेरा ढूंढेंगे फिर। और दूसरा सबसे बड़ा कारण बहुत समय बाद जो मेरे को समझ आया वो था ये जो मोबाइल टावर्स का उग जाना कुकुरमुत्तों की तरह गलियों में, उनसे जो रेडिएशन निकलती है वो पक्षियों के लिए इतनी खतरनाक है कि कोमल हृदय वाली चिड़िया शायद उसे बर्दाश्त नहीं कर पाई और दिल्ली उसे रास नहीं आया या बड़े शहर उसे रास नहीं आए और उसने वहाँ से पलायन कर जाना ही उचित समझा होगा। I have been studying birds from past 12-13 years now. So we have a lot of media reports stating that mobile towers or electromagnetic radiations are one of the major factor that has reduced sparrow population in urban areas. But there is no confirmed study on that. In fact, a recent study that we conducted in Delhi has given indications exactly opposite to this. So we were serving birds all across the Delhi state. We had around 300 plus grids in which we had surveyed birds, including sparrows. And just to look at the potential relation of electromagnetic field with sparrows, we had used EMF values as one of the parameter to relate it with the sparrow occupancy. And we found that in a single grid, there was no direct correlation with high EMF radiation and low sparrow occupancy. कहाँ गई वो चिड़िया प्यारी, सबकी थी जो राज दुलारी, नील गगन में होड़ लगाई, कभी वृक्षों की करी सवारी। We found that in those grids where the large number of pigeons were there, sparrow number was less. And in those grids where pigeons were less in number, sparrows were much larger in population size. So, which sort of gave us an idea, that a preliminary idea, that it may be because of the competitive exclusion that is coming from a larger size bird, which is this rock pigeon, that is reducing sparrows' population in urban areas, because pigeons have very successfully colonized and inhabited almost every part of urban landscape. So, in that sense, if you're looking at maybe they are reducing sparrow number, and sparrows are moving to those places, suburban areas, small towns, villages, where pigeon population is much small. That could be one of the reason, but definitely some more studies need to confirm this report. क्यों उसके कोटर छीन लिए हैं, उसके दाने बीन लिए हैं, सारी प्रकृति में तुमने पक्षी कितने हीन किए हैं। बस सुन, हाँ यार, मेरे दोस्त का भी मैसेज आया है, बोल रहा है कि कोई गोरैया है ही नहीं है गोरैया गांव में। यार क्या कर सकते हैं, वो देखे, लेकिन उसने नेस्ट वगैरह तो लगाए थे ना, दे सेड दैट देयर आर नेस्ट एंड आल्सो देयर नो चिड़िया ओवर देयर। राकेश खत्री, he also said na, he personally said na ki years ago he used to like during the time when Gauraiya Gram was made, he put up like he used to go to nests, put up nests and all there na.
मुझे दुनिया में राकेश खत्री कम, नेस्ट मैन ऑफ इंडिया के नाम से ज़्यादा जाना जाता है। वो नाम कैसे पड़ा मुझे खुद नहीं पता चला, लेकिन हाँ अब ये हो गया कि जहाँ भी नेस्ट मैन ऑफ इंडिया की बात आती है तो राकेश खत्री का चेहरा और उसका घोंसला दिखाई देने लगता है। हर चिड़िया मेहनत करती है, कोई ऐसी चिड़िया नहीं है जो अपना घोंसला बनाने में मेहनत ना करती हो। पर गौरैया, क्योंकि मैंने बचपन से अपने घर के अंदर देखा था, हम लोगों ने कितनी नाइंसाफ़ी करी, उनकी फूड चेन ख़त्म कर दी, जो घरों पे पहले गेहूँ धो के सुखाई जाती थी, पापड़ बढ़िया सब घर में बनता था, हमने ख़त्म कर दिया, उस बेचारी ने तो नहीं। वो चिड़िया बहुत अच्छी है, हम लोग बचपन से जुड़े हैं। आप खुद सोचिए, आपने पहला नेस्ट शायद अपनी अल्फ़ाबेट की बुक में देखा होगा या अपने घर के पंखे के कप में देखा होगा। मैं बचपन से जुड़ा हूँ तो मुझे लगता है गौरैया मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, और मैं नेस्टमैन बनने के बाद तो मुझे लगता ही है कि गौरैया से अच्छा कोई चिड़िया है ही नहीं जो आपको जगाती थी। बचपन में अपने बेटे को हम जब खाना खिलाते थे, इतनी पसंद है मुझे कि हम कपड़े के अंदर ऐसे चोंच बना लेते थे, वो खाना नहीं खाता था, तो हम उसको कहते थे देखो ये चिया का और ये तुम्हारा। और चिया एक ऐसा नाम है जो शायद बचपन में हर बच्चे को कहा जाता है कि तुम चिया हो। द हाउस स्पैरोज़ आर वेरी ब्यूटिफुल बर्ड एंड दे गो ऑन अराउंड चिरपिंग अराउंड यू, एंड आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट inspiring thing about sparrows around you that they are bold enough to enter your rooms. And I remember my stays in my hometown, in it's a small place, so there are a lot of sparrows around. So you are working on your desk and suddenly a sparrow will enter the room and try to pick up a small piece of biscuit from your table. So that closeness to nature and that you know, the intimacy with nature can be very and it's the sparrows are symbol to that. So I think that is one fond memory that I have with sparrows. अब मनुष्य भी भले ही कितना भी नेचर को नष्ट करता जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये श्राप उसके जीवन में आगे आएगा ही आएगा, उससे वो बच नहीं सकता। इनका श्राप लगेगा एक दिन, मानव तुम पछताओगे एक दिन, कलरव करता नील गगन ये सूना रह जाएगा एक दिन। मैं बच्चों को हमेशा एक सीख देता हूँ कि आप अपने नेचुरल रिसोर्सेज को अपने मम्मी पापा के एटीएम कार्ड की तरह यूज़ करिए। वो कितनी किफ़ायत से यूज़ करते हैं, अगर उनको 3,000 निकालने हैं तो वो 1,500 निकालते हैं, है ना, तो 500 बाद में निकाल लेंगे, तो हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते। और सेकंड, मैं बच्चों को एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ कि जैसे ही फरवरी का महीना आता है बसंत पंचमी का, आप अपने घरों के छतों पर कहीं कॉर्नर के अंदर कुछ भी पुराने कतरने ऊन टहनियाँ ये सब रखिए ताकि वो चिड़ियाएँ ले जाएँ उठा के और अपना घोंसला बना सकें। आप उसको एक घोंसला बैंक कह सकते हो, और ये बातें आप अपने से नीचे वाले बच्चों को जरूर सिखाएं। फॉर वन थिंग आई सी इज दैट नो बर्ड्स एंड स्पैरो, यू नो द नेम ऑफ द स्पैरो इज इटसेल्फ गौरैया या चिड़िया, सो स्पैरो बेसिकली सिंबलाइजेस बर्ड्स। आई मीन अ लॉट ऑफ पीपल हु डोंट नो मच अबाउट बर्ड्स, हु डोंट आइडेंटिफाई बारबेस एंड पिजन्स एंड अदर स्पीसीज ऑफ बर्ड्स इन अर्बन स्पेसेस, स्पैरो इज द सिम्बॉलिक नो स्पीसीज और सिम्बॉलिक इंडिविजुअल फॉर बर्ड्स इटसेल्फ। And birds, if you see, are the most perceivable form of biodiversity in urban space. You don't see much of wildlife species in an urban area, but birds you will definitely find around you. So they can be a very good model or very good species to bring people's interest in biodiversity and also to create positive perception of people regarding conservation. पहले मेरी जो मदर थी या मेरी दादी थी, नानियाँ थी, नियम से खाना खाने से पहले पक्षियों को दाना डाला करती थी, और मुझे लगता है उनके मन में कोई ऐसी बात नहीं होती थी कि वो दाना क्यों डाल रही हैं। बस उन्होंने एक नियम बनाया हुआ था कि ये भी एक आवश्यक काम है, जैसे खाना हमारे लिए आवश्यक काम है, ये भी एक ज़रूरी काम है। और वहीं से वो चीज़ हमने बचपन में देखी तो हमारे अंदर भी आई, और मैं चाहती हूँ आने वाली पीढ़ी में भी आए। घोंसलों को बचाना सीख लिया तो पेड़ों को बचाना सीख लिया, पेड़ों को बचाना सीख लिया तो पहाड़ों को बचाना सीख लिया, पहाड़ों को बचाना सीख लिया तो समझ लो नदियों को बचाना सीख लिया। तो हर चीज़ अपने आप सुरक्षित रहती जाएगी, और ये सब सुरक्षित है तो अंत में कौन आता, मानव। मानव तो खुद ही सुरक्षित हो जाता है। चिड़िया अंगना में फिर वाजा रे, ओरी चिड़िया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर वाजा रे, अंधियारा
नहीं तू जो उड़ जाएगी ये जरूर।